मानवतेचा धडा शिकवणारे आणि शीख धर्मियांच्या 10 गुरुपैकी पहिले गुरु गुरु नानक देवजी यांची 552वी जयंती शुक्रवारी सर्वत्र साजरी झाली. जयंतीनिमित्त भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी कळंबोली आणि नवीन पनवेलीतील गुरुद्वारांना भेट देत दर्शन घेतले. यावेळी स्थायी समिती सभापती संतोष शेट्टी, राजू शर्मा, युवा नेते हॅप्पी सिंग, नगरसेविका राजश्री वावेकर, जितेंद्र तिवारी, महेंद्र वावेकर, बबन बारगजे, पोलीस निरीक्षक श्री सोनावणे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले डेढ़ साल में कोविड के चलते पूरी दुनिया में जो महामारी फैली थी वो उसका खौफ कई लोगों के मन में बैठा था. और जब इसकी शुरुआत हमारे देश में हुई थी, खास करके हमारे पनवेल और पूरे एरिया में, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तो समाज के लोग, संगत के लोग बाहर आए. गुरु नानक जी की कृपा है कि आप सभी ने मिलकर सभी जगह पे, पनवेल गुरुद्वारा, कलंबोली गुरुद्वारा, खारगढ़ गुरुद्वारा, सब जगह पे लंगर खोल के लोगों की जो सेवा की है, और सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में, दुनिया भर में आप सभी लोगों ने जो सेवा की है, ये गुरु नानक जी की प्रेरणा है के जिसके बतौर इतने सारे लोगों को उस वक्त उनको अन्नदान आपके माध्यम से, गुरुद्वारा के माध्यम से हुआ. आप सभी ने जो मदद उस वक्त की, कई जगह पे लोगों को सैनिटाइजेशन में मदद करना, कुछ कुछ लोगों के ऊपर तो उस वक्त पुलिस केसेस भी हो गई, पर फिर भी आप सभी के माध्यम से जो सेवा समाज की उस वक्त हुई है, आज जब कोविड के चलते हम सभी को वैक्सीन का एक प्रोटेक्शन मिला है, पर वो समय हम लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे. संगत की जो सेवा है वो सेवा कभी भी नहीं भूल पाएंगे. इस सेवा के लिए, इस आपके सेवा भाव के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. और जो प्रेरणा जिसके वजह से आपने सब ने काम किया है, ये जो यहाँ पर नदी है, यहाँ पर माथा टेकने जो जो आएगा, यही प्रेरणा लेके समाज सेवा के लिए काम करता रहेगा. आप सभी को फिर एक बार लग लग बधाइयां. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.